शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा से विधायक प्रदीप जायसवाल ने मुलाकात की है। वारा सिवनी से निर्दलीय विधायक हैं प्रदीप जायसवाल, जो इससे पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार को अपना समर्थन दे चुके हैं। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच में ये चर्चा हुई है और क्या इसके बिंदु रहे हैं फिलहाल ये बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन इससे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार अब से कुछ दिन बाद होना है। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री थे प्रदीप जायसवाल, अक्सर अपने बयानों को लेकर वो काफी सुर्खियां बटोरते रहे हैं। तो बालाघाट के वारा सिवनी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच में चर्चा चली, लेकिन बात क्या हुई है ये फिलहाल साफ नहीं है। वासु चौरे हमारे साथ है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। वासु, बंद कमरे में बात हुई है, क्या बात हुई है, पता चल पाया है? देखिए रोमिता, मध्यप्रदेश में कोरोना संकट तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही सियासी उठापटक भी उतनी ही तेजी से चल रही है। लगातार सुगबगाहट हो रही है मंत्रिमंडल के विस्तार की, और प्रदीप जायसवाल जो नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं और इस समय सबसे पावरफुल नेता माने जा रहे हैं भाजपा में, उनके घर उनसे मिलने पहुंचे थे। और प्रदीप जायसवाल पहले एक बयान दे चुके हैं कि जिसकी सरकार रहेगी मैं उसके साथ रहूंगा। पूर्व सरकार में भी वो मंत्री थे, और अब एक बार फिर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके पूर्व इन नेताओं का पहुंचना नरोत्तम मिश्रा के यहाँ कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि क्या कांग्रेस अपने पुराने साथियों को अब भी नहीं साथ पा रही है, और आने वाले समय में बड़ा एक और कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जो कांग्रेस के विधायक थे इंदल सिंह कंसाना, वो भी पहुंचे थे, वो भी दिखाई दिए हैं नरोत्तम मिश्रा के यहाँ, लेकिन क्या चर्चा हुई है इस पर कोई भी बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। नरोत्तम मिश्रा जी से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आए, और लेकिन बहुत जल्दी आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि क्या मुलाकात हुई है और इसका परिणाम क्या होने वाला है। बिल्कुल वासु, इस वक्त सियासी उठापटक भी मध्य प्रदेश में चल रही है कोरोना संकट काल में, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इससे पहले हमने रामबाई को भी देखा था, हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो मजदूरों की वापसी के लिए बातचीत करने गई हैं, लेकिन कयास फिर भी लगाए गए थे। अब जब प्रदीप जायसवाल पहुंचे हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि बीजेपी इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, उन विधायकों को भी जो इससे पहले कांग्रेस का साथ देते रहे हैं वो अब झटकते नजर आ? देखिए रुमिता, मध्यप्रदेश में आने वाले समय में जब ये कोरोना का पूरा जो संकट काल है चल रहा है, जब खत्म होगा उस समय 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये 24 सीटें मध्यप्रदेश की राजनीति में काफी निर्णायक और अहम साबित होंगी। अगर इन 24 सीटों में से ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीतती है तो एक बार फिर उसके पास मौका होगा सत्ता में वापसी करने का। ऐसे हालातों में भाजपा ऐसे नेताओं पर टारगेट कर रही है जो पिछली सरकार में कांग्रेस के साथ थे लेकिन बगावती तेवर दिखा चुके हैं। प्रदीप जायसवाल की बात करें, रामबाई की बात करें, सुरेंद्र शेरा की बात करें, ये जो तमाम ऐसे नाम हैं जो पहले भी बगावती तेवर और सरकार कमलनाथ सरकार के खिलाफ बयान देते रहे, अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहे हैं, अब वो लोग भाजपा के संपर्क में भी नजर आ रहे हैं। भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनसे मिलते जुलते रहते हैं, हालांकि स्पष्ट रूप से वो कोई भी बात कहने से बचते हैं, और अपने क्षेत्र के कामों को लेकर मुलाकात हुई थी इस तरीके की बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सबके पीछे जो सत्ता की जो फील्डिंग है वो कहीं ना कहीं जमती हुई नजर आ रही है। आपको पता है कल मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने दावा किया था कि 24 सीटों में से 20 से 22 सीटें कांग्रेस जीतेगी, सत्ता में वापसी कर सकती है, जनता जानती है इसलिए कांग्रेस के साथ है। तो ये तमाम सारे समीकरणों का बनाने और बिगाड़ने का जो खेल है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आने वाले समय में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव काफी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है मध्य प्रदेश की राजनीति में। लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी जो हैपनिंग है वो यही है कि विधायक प्रदीप जायसवाल, जो कि बालाघाट के वारा सिवनी से निर्दलीय विधायक हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं प्रदीप जायसवाल, जिन्होंने मुलाकात की है नरोत्तम मिश्रा से, बंद कमरे में चर्चा हुई है दोनों ही नेताओं के बीच में, लेकिन बातचीत क्या हुई है फिलहाल बहुत ज़्यादा तस्वीर साफ नहीं है। इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदीप जायसवाल उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे जब कमलनाथ सरकार प्रदेश में डगमगा रही थी, और उससे पहले प्रदीप जायसवाल का ये बयान सामने आया था कि वो क्षेत्र के विकास के लिए काफी सजग है और ऐसे में सरकार जिसकी होगी वो उसके साथ।
तो ये तस्वीरें कुछ हमारे पास आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रदीप जायसवाल मुलाकात करने के लिए पहुंचे मंत्री नरोत्तम मिश्रा से। विधायक प्रदीप जायसवाल ने मुलाकात की है उस वक्त की ये तस्वीरें सबसे पहले आप बंसल न्यूज़ पर देख रहे हैं। तो देखिए ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी संभव है और कैसे सत्ता बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। प्रदीप जायसवाल खनिज मंत्री भी रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, निर्दलीय विधायक हैं बालाघाट के वारा सिवनी से।